दोस्तों इस लेसन में हम जानना चाह रहे हैं कि आप कौन है हु आर यू एंड वाई आर यू हीयर आप लोगों को सुन के हैरानी होगी कि यह क्वेश्चन आज भी मेरे पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि बेटा हो कौन और करते क्या हो खास तौर तो पे आईटी की दुनिया में जिधर रोज़ एक नई चीज़ एक नई टेक्नोलॉजी एक नई मेथोडोलॉजी आ रही है लोग आपसे कॉन्स्टेंटली पूछेंगे कि आप हैं कौन और आप क्या करते हैं और आप किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और ये क्वेश्चन आपसे ना सिर्फ आपके लर्निंग जर्नी के स्टार्ट में पूछा जाएगा बल्कि आपसे बाद में भी पूछा जाएगा एज़ यू गो ऑन एंड प्रोग्रेस इन लाइफ इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं हु आर यू एग्जैक्टली बट बिफोर आई आस्क दिस क्वेश्चन मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूं और वो सवाल ये है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दुनिया के वो लोग जिन्हों जो बहुत सक्सेसफुल हुए उन सारे लोगों में वो एक कॉमन ट्रेट या फीचर क्या है चलें ये छोड़ें क्या आप ये बता सकते हैं कि दुनिया के वो लोग जिस जो सिर्फ आईटी के शोबे में मशहूर हुए उनमें क्या एक फीचर या क्या एक ट्रेट कॉमन है सोचें थोड़ा और सोचें सो so यहां पे जिस तरह आपको नजर आ रहा है आईटी के दुनिया के वो लोग जो बहुत सक्सेसफुल हुए जिन्होंने बहुत बड़ी कंपनीज बनाई पीपल लाइक ईलॉन मस्क मस्क कौन है ईलॉन मस्क ने दो कंपनीज बनाई जिनके लिए हम उन्हें जानते हैं एक कंपनी का नाम है टेस्ला जो कि गाड़ियां बनाती है और एक कंपनी का नाम है स्पेस एक्स जो स्पेस के लिए डिफरेंट तरह के त्यारे बनाती है ईलॉन को छोड़ दें किसी और ऑंटरप्रीनर की तरफ आते हैं लेट्स लुक एट स्टीव जॉब्स कौन है स्टीव जॉब्स स्टीव जॉब्स इन्वेंटेड समथिंग दैट वी नो एज आईफोन और आईफोन ने पूरी दुनिया में एक तहलका मचा दिया ये वो कुछ आईटी के बादशाह हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को रेवोल्यूशनाइज कर दिया बट लुक लेट्स लुक एट सम ऑफ लुकट अदर नेम्स जेफ बेजोस इन्होंने एमजॉन बनाया जैक मा इन्होंने अली बाबा बनाया बोथ्स दीज कंपनीज आर मोर देन 500 बिलियन डॉलर कंपनीज वर्किंग इन ई कॉमर्स लेट्स लुक एट सम अदर नेम्स मार्क जकरबर्ग कितने लोगों ने यहाँ पे मार्क जकरबर्ग का नाम सुना हुआ है वर्ल्ड इज दैट वन प्रोडक्ट दैट यू यूज दैट मार्क क्रिएटेड इट्स फेसबुक सो क्वेश्चन वही है कि क्या वो एक ऐसी चीज है जो इन सब लोगों में कॉमन है क्या ये एक तरह के कपड़े पहनते हैं क्या ये एक तरह का खाना खाते हैं क्या सबको बर्गर पसंद है क्या ये एक तरह की घड़ी पहनते हैं या क्या ये एक तरह की गाड़ी चलाते हैं आई होप अभी तक आप लोगों ने इसके बारे में सोचा होगा एंड यू मस्ट है बट द रियल आंसर टू दिस इज that they ऑल have एन ऑब्जेक्टिव they ऑल have a गोल ऑब्जेक्टिव का लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव से आपको पता लगता है कि आपने कहाँ जाना है और ये सारे सक्सेसफुल ऑन्टरप्रनोर्स का हमेशा शुरू से एक क्लियर एंड क्रिस्प ऑब्जेक्टिव था और हम चाह रहे हैं कि इस कोर्स में आप भी अपना एक क्लियर एंड क्रिस्प ऑब्जेक्टिव रखें एक कहावत है कि एन ऑब्जेक्टिव विदाउट अ प्लान इज अ ड्रीम तो so, यहां पे दो इंपॉर्टेंट चीजें जिनका आपने ख्याल रखना है एक ऑब्जेक्टिव इटसेल्फ क्या वो चीज़ है जो आप अचीव करना चाह रहे हैं एंड द सेकेंड वन इज द प्लान ये ऑब्जेक्टिव बेशक वो इस कोर्स को सीखने का है बेशक वो पैसे कमाने का है जो भी आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किस तरह से आप प्लानिंग करेंगे और किस प्लान के तहत आप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे इसका एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है जो स्टार्ट होता है गोल से सबसे टॉप पे आपका गोल है आपका एक फाइव ईयर गोल आप क्या अचीव करना चाह रहे ईयर गोल में देन कम्स ऑब्जेक्टिव पार्ट कि आप उस गोल को अचीव करने के लिए अपना क्या ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है द थर्ड वन इज द स्ट्रेटेजी ऑब्जेक्टिव तो आपको पता है कि क्या करना है बट आप उसे करेंगे किस तरह और किस तरह से आप अपनी सर्कमस्टांसेस को और अपने हालात को चेंज करेंगे टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टैक्टिक्स एंड द टूल्स सो दीज टैक्टिक्स एंड टूल्स आर द फंक्शनल कॉम्पोनेंट्स दैट यू विल यूज टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव और ये सीक्वेंशल प्रोसेस जो आपको नजर आ रहा है दिस विल हेल्प यू बिकम अ सक्सेसफुल आंट्रपिन्योर और अ सक्सेसफुल फ्री लासर योर ऑब्जेक्टिव इज योर चॉइस बट हैविंग एन ऑब्जेक्टिव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आप बेशक जो मर्जी रखें लेकिन ऑब्जेक्टिव रखना लाजमी है इसकी एक सिंपल सी एग्जाम्पल लेंगे कि अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और आप डिसाइड करते हैं कि आज आ, शहर की तरफ आप जाएंगे बेशक गाड़ी में जाएंगे बेशक आप अपनी मर्सिडीज में जाएंगे या मेहरान में जाएंगे या बेशक किसी मोटरसाइकिल पे जाएंगे आपको पता होना चाहिए कि आपने जाना कहाँ है उसके लिए आप एक रोड चूज करेंगे वो आप पे है वो आपकी स्ट्रैटेजी है लेकिन आपको लाजमी पता होना चाहिए कि आपने जाना कहा है ये नहीं हो सकता कि आप जाके अपनी गाड़ी में बैठें अपने मोटरसाइकिल पर बैठें और फिर सोचें कि ओह मुझे तो पता ही नहीं मैंने जाना कहा है दैट्स वाई हैविंग एन ऑब्जेक्टिव इज क्रूशल इसीलिए ये भी कहा जाता है कि योर ऑब्जेक्टिव विल हेल्प यू नो वेयर टू ग्रो एंड वेयर टू गो कहाँ जाना है और कितना ग्रो करना है दिस इज़ समथिंग योर ऑब्जेक्टिव विल हेल्प यू विद मैं आपसे एक छोटी सी एक्टिविटी कराना चाहता हूँ अपने पास इर्द गिर्द जिधर भी आप ये बैठ के लेसन देख रहे हैं अगर आपको कोई पेन या पेपर मिलता है तो प्लीज़ उसे उठा लें चलें मैं आपको कुछ सेकंड दूंगा जल्दी से ढूंढने के लिए एंड आई होप अभी तक आपने वो पेन और पेपर ढूंढ लिया उस पेन और पेपर पे मैं चाहता हूं आप अपना क्लियर ऑब्जेक्टिव डिफाइन करें कि आप क्या करना चाह रहे हैं इस कोर्स के साथ हम कुछ टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एक्सप्लोर करते हैं विच विल हेल्प यू मेक अ क्लियर ऑब्जेक्टिव सो लेट्स आप ये ऑब्जेक्टिव रखते हैं कि मैं बाई एंड ऑफ दिस कोर्स या बाई एंड ऑफ वन ईयर हंड्रेड थाउजेंड डॉलर्स कमाना चाहता हूं या चाहती हूँ दैट इज अ वेरी क्लियर ऑब्जेक्टिव आप अपना गोल कम भी कर सकते हैं गोल रखना टोटली आप पे है बट एज रिमाइंड यू के हैविंग अ गोल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट या आप कह सकते हैं कि माई ऑब्जेक्टिव इज टू लर्न वर्ड प्रेस स्किल्स हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव पैसों से रिलेटेड ना हो लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव हो स्किल्स से रिलेटेड ये भी एक अच्छा ऑब्जेक्टिव है आप ये कह सकते हैं कि माई ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट एन ई कॉमर्स वेबसाइट ऑफ माई शॉप हो सकता है आप कोई शॉप ओन करते हैं जिसकी आप एक ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं यूजिंग वर्ड प्रेस ये भी एक अच्छा ऑब्जेक्टिव है having an objective is very important but before you set your objective know yourself knowing yourself is very important and very crucial kyunki jab tak aap apne aap ko nahi jante honge aap sahi tarah se ye objective apna set nahi kar sakte honge alama ikbal hamare shayar उन्होंने क्या खूब कहा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बताती रही रजा क्या है इस कॉन्सेप्ट में भी अलामा इकबाल हमें कह रहे हैं कि खुद ही को एक्सप्लोर करो देखो तुम कहां जाना चाह रहे हो अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो आप एक अच्छे सफर की तरफ निकल सकेंगे एंड यू विल बी एबल टू बी सक्सेसफुल सो दोबारा वो पेन और पेपर ढूंढें और देखें कि आप कौन हैं क्या हैं और कहां जाना चाह रहे हैं आस्क योर सेल्फ वाई आर यू हियर आप इधर क्यों हैं क्यों ये कोर्स सीखने आए हैं क्या मिलेगा आपको इस कोर्स से आइडेंटिफाई योर सेल्फ आई यू अ स्टूडेंट क्या आप एक स्टूडेंट हैं क्या आप एक हाउस वाइफ हैं अपने सर्कम स्टांसेस को जानना अपने सर्कम स्टांसेस को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है आई यू समन हुकिंग अ जॉब क्या आप यहां पर इसलिए आए क्योंकि आप एक जॉब ढूंढना चाह रहे हैं और डू यू वॉन्ट टू लर्न न्यू स्किल्स ये भी आप पे है कि आप किस तरह का ऑब्जेक्टिव अपने लिए रखते हैं और किस तरह की सिफ्ट में वो आपको लेके जाएगा एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसमें चार क्वेश्चन आप अपने आप से पूछ सकते हैं टू सेट योर ऑब्जेक्टिव वन इज वट यू लव आपको क्या पसंद है पेन और पेपर पे ये लिखें वट आर यू गुड एट क्या एक ऐसी स्किल है या चीज है जिसका आपको शौक है जो आप करना चाहते हैं वट डू यू नीड राइट नाउ क्या चीज़ें आपको चाहिए अपने आप को सक्सेसफुल करने के लिए एंड द फोर्थ एंड फाइनल क्वेश्चन वट कैन यू बी पेड फॉर आप अपनी सारी स्किल्स अपनी ये सारी चीज़ें जो आप सीख रहे हैं इनसे कैसे पैसे बना सकते हैं इज जापानीज कॉन्सेप्ट है एक गाय इसको प्लीज़ जाके सर्च करें इस पर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें और हमारे फेसबुक ग्रुप डिजिटल स्किल्स के उधर जाके इसके बारे में पोस्ट करें सो अ समरी ऑफ दिस होल लेसन इज के अपने आप को जाने देखें आप यहां पे क्यों आए और अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर और सिंपल सेट करें सो यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर एंड एन